फिर के आए, अभी भूख लगी थी तो अभी लेके आए हैं हम खाना। क्या पता नहीं लेके आए हैं बस है अहमद भाई। अब हम खोलते हैं और देखते हैं ये रोटियों वाला है सालन वाला है, ये जी चेक करवा दें क्या है। अच्छा ये तो लेके आए स्टीम रोस्ट लेके आए हैं भाई, लग तो बहुत मजे कर रहा है। तो जी अभी जब खाएंगे ना आप इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगी। और ये देखें रुबीना सिस्टर जो है ये चेक करें जी। और उसके साथ लेके आए हैं हम और चीज खाने के लिए। और क्या देखें सब खैर खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखे। तो इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मेरे चैनल पे है नए वो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ खड़े घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। और प्लीज़ आप लोग जो हैं मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और चलें जी अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है, जैसा कि आपको पता था कि मैं सबा अहमद ब्लॉग की तरफ गई हुई थी और मेरे दो दिन वहाँ पे मैंने गुजारे हैं और मैं बहुत ही अच्छी यादें लेकर वापस आई हूँ। और मैं रात तकरीबन 9:30 बजे घर पहुँच गई थी और आते ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं जो मैं वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करती। तो इसलिए आज मैं जो हूँ आप लोगों के साथ अपनी जो है सबा अहमद लोगों के साथ मेरे जो दूसरे दिन की एक छोटी सी रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियोस को आपने देखना है। और प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा भी करें। तो मैं सबा लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। कहते हैं कि जो तारीफ है वो कमर के पीछे करनी चाहिए मुंह पे नहीं करनी चाहिए। तो मैं जो हूँ आप लोगों को बता रही हूँ कि सबा अहमद लोग जो लोग बातें करती हैं कि वो लालची हैं या इस तरह के हैं वो बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे आपको नज़र आते हैं वो वैसे ही हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जो भी उनके घर मेहमान जाए वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मेरी इज्जत उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और अपनी बहनों से बढ़ के मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। और मुझे वहाँ पे जाके फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली दफ़ा किसी के घर में आई हूँ। और बैड कमेंट्स करने वाले जो हैं वो प्लीज़ अपने जो है वो ये ना बताएं कि उनकी तरबियत कैसी है और किस खून ने उनकी तरबियत की है। जो बैड कमेंट करते हैं वो दरअसल वो अपने अंदर की गलाजत निकालते हैं और वो बताते हैं कि हमारी तरबियत कैसी हुई है और हम किस खून की पैदावार हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। हम लोग आपके लिए जो वीडियोस बनाते हैं इतना हम टाइम जो है आप लोगों के साथ हम, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है, कोई किसी की क्या मजबूरी हुई, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप उल्टा हमारी हौसला अफजाई करने के बजाय आप लोग इतने गलत गलत कमेंट करते हो तो उससे दिल फिर दुखता है। और ज़्यादा बहन भाई जो अच्छे हैं और मैं किसी को बुरा भी नहीं कहूँगी लेकिन फिर भी उनको कहूँगी कि आप अपने आप को सुधार लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो मैं फिर कह रही हूँ कि मैं सबा अहमद वालों से, उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की। और बाजी रुबीना जो है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं और उज़्मा भी बहुत अच्छी हैं। सब उनका एक एक फ़र्द जो है मैं उसकी तारीफ जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया और उन्होंने मेरा कितनी ज़्यादा जो है मेरी मेहमान नवाजी की है। अल्फाज नहीं है मेरे पास, मुझे ऐसे ही है कि वो मेरी फैमिली का, अब वो मेरे ऐसे ही है कि वो मैं जब गई भी हूँ तो मुझे नहीं लगा और मैं अब तो बिल्कुल भी वो ऐसे हैं कि जैसे हम एक हैं और एक ही फैमिली है। तो चले आप लोगों के साथ मैं अब सबा अहमद लोगों के घर की एक दूसरे दिन की एक छोटी सी रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चले आए
देखिए सबा अहमद लोगों की तरफ के घर की दूसरे दिन की रोटी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखे। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ आज सुबह के नाश्ते से, तो देखे मैं करने लगी हूँ, बल्कि मैं नहीं, हम सब करने लगे हैं नाश्ता सुबह का। और नाश्ते में है जी पाए और चने और नान है, और साथ कल का जो बाजी रुबीना ने अचार गोश्त बनाया था वो है। हम करने लगे नाश्ता। तो आए जिस बहन भाई ने आना है, नाश्ता कर सकते हैं। हाँ जी मैं ला रही हूँ ये अपना हैंड कैरी, आप देख रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं। बम है अच्छा। ये मैं फोड़ने लगी ये मैं आज मैंने फोड़ने लगी हूँ बम। आ जाओ सब इधर। वो सिस्टर खुदकशी का इरादा है? नहीं नहीं नहीं, खुदकशी का इरादा नहीं है ये। मैं दरअसल पता है क्या, ये मैं सभा लोगों के लिए ना गिफ्ट लेके आई हूँ, तो मैंने कहा कि चले आप जो है ना मेरे सामने इनबॉक्सिंग करें, ताकि मुझे पता हो और मैं बताऊँ कि ये किस किस का कौन कौन सा गिफ्ट है, ठीक है ना? हाँ जी, तो अच्छी बात है। कबूल करना, क्योंकि मैंने ना बड़े ही इस ये जो मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट लिए है ना, इसमें मेरा बहुत ज्यादा प्यार शामिल है। और मैं जब बाजार गई हूँ तो ऐसा है कि मैंने कभी अपने लिए भी ऐसी शॉपिंग नहीं की। मेरा दिल चाह रहा था कि जो सबसे अच्छी चीज़ हो ना वो मैं आप लोगों के लिए ले के आऊँ। तो ये देखे आपने सभा के जो है ना व्लॉग पे जाके देख बताना है कि सुल्ताना ने कैसी शॉपिंग की है। हाँ तो ये देखे मैं ना इस गिफ्ट पैक नहीं करवा सकी, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन था, तो एक दिन में मैं खुद ही इसकी पैकिंग करती रही मैं। तो ये सभा आप लो और इसको खोलो। हाँ जी ये देखे दो हंसों का जोड़ा जो है वो बैठा हुआ है। सभा की जो है तबीयत ख़राब हो गई है, हम बाहर फिर के आए हैं तो उसको लग गई है सर्दी। तो बाहर घूम फिर के आए, अभी भूख लगी थी तो अभी लेके आए हैं हम खाना। हाँ क्या पता नहीं लेके आए हैं बाहर से अहमद भाई। अब हम खोलते हैं और देखते हैं ये रोटी वाला है सालन वाला है, ये जी चेक करवा दें क्या है। हाँ अच्छा ये तो लेके आए स्टीम रोस्ट लेके आए हैं भाई, लाग तो बहुत मज़े कर रहा है। तो जी अभी जब खाएंगे ना आप इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगी। और ये देखें रुबीना सिस्टर जो है ये चेक करें जी। हाँ और उसके साथ लेके आए हैं हम और चीज़ खाने के लिए। और क्या लेके आए? माने रोटियाँ। माने माने ये क्या होता है? ये चपाती रोटी माना। अच्छा 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 ये देख, इसको हाथ लगा के देखें बिल्कुल बारीक कागज की तरह बारीक है, मजा आएगा खाने का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें फिर मुझे भूख लगी है तो हम चीजों को देख क्या करते हैं। मुझे भूख लगी कह रही थी मुझे कोई नहीं भूख लगी है ना। अब तो अब वो देखे ना उसमें से भाप निकल रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से खाने पे ना टूट पड़ूं। और मैं टूट पड़ेगी पहले आप इंशाल्लाह, हम तो बैठे हैं आज। तो कैसे पड़ना है, कैसे कैसे टूटते? अच्छा 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 सही सही। तो अभी मैं जो हूँ खाना करती हूँ स्टार्ट, तो आप भी आए और देखे हमारे साथ खाना। आप खा तो सकते नहीं है, आप हमारे साथ खाना जो है वो इंजॉय करें। हो गया जी खाने पे, आप सारे जो है ना माशाल्लाह बिना सिस्टम टूट पड़ो सारे भाई। टूट तो पड़ते नहीं, पर रायता तो दे मुझे, मैं रायता निकाल लूं। चलो मैं देता हूं रायता। ठीक है ये रायता गाड़ी में है बस उन्होंने दिया।